मजदूरी करनी पड़ती है पैसे कमाने के लिए, ये 2 साल में एक पिक्चर करती है और वो भी फ्री में। सोचो इनके पास कितना पैसा है। क्या बात। एक्चुअली हूँ बॉम्बे का, मैं प्योर ब्रीड मुंबई बॉय हूँ, दादर में पला बड़ा हूँ। तो मेरे लिए भी एक एक्सपीरियंस था, एक ट्रैक था अपने देश के इंटीरियर्स को समझना, उसको और फिर उस पर जस्टिस करना। शहर में रह के आपका जो पर्सपेक्टिव है बहुत अलग रहता है ज़िंदगी की तरफ, आपके अनुभव अलग रहते हैं। तो मेरे लिए भी ये एक लर्निंग था जो मुझे पहले लेना पड़ा और फिर मैं ये फिल्म बना सका। मैं भी पहली बार चंबल गया था तो इतनी बेहतरीन वहाँ की ज़मीन है, जो नदी है सुबह शाम चंबल की, तो हमने बड़ा आनंद किया। जब ऐसे जगह पर जाते हैं तो आपको एहसास होता है कि आप ज़िंदगी जी रहे हैं, वरना मुंबई में नॉर्मली हम लोग निभाते हैं, सिर्फ निभाते हैं बस, हम जीते नहीं। मैं तो अभिनेता इसीलिए बना कि इस काम में घूमने को मिलता है बहुत, और फ्री में मिलता है, प्रोड्यूसर के पैसे से जाते हैं। लाइन है, जो लाइन है हमें बोलनी है वो उसको कभी नहीं भूलते हैं, क्योंकि वो डायलॉग कितना रिटेक लेते हैं ज़्यादा नहीं लेते हैं। आजकल ये डिजिटल आने के बाद डायरेक्टर ले लेने लगे हैं, एक और कर लेते हैं, एक ऐसे बहुत बढ़िया था, बढ़िया एक सेफ्टी कर लेते हैं, बस सेफ्टी के चक्कर में 3-4 सेफ्टी हो जाते हैं। खाने में माहिर है। बिल्कुल। खाने में तड़का लगाने में ये माहिर है, मतलब जो मस्ती का तड़का होता है ना, वो चुपचाप बहुत शांत होकर के वो अपने तरीके से करके वो मस्ती करके चले जाते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं लोगों की के कमेंट्स पढ़ूँ या रिप्लाई करूँ या लाइक करूँ, मेरे ख्याल से वो मतलब है सोशल मीडिया को, मैं एक तरफा स्ट्रिक्ट नहीं हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसका उत्तर दूँ या जो भी है। लोग कभी कभी अचंभित रह जाते हैं कि अरे ये के मैनन है या पता नहीं कौन है, मतलब नॉर्मली करते नहीं लोग ऐसा, तो मुझे पता नहीं था, तो मैंने कहा नहीं बिल्कुल मैं हूँ, मैं एक्टिव बिल्कुल नहीं हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं एक्टिव हूँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं किसको क्या लिखूँ, मैं अपने बारे में क्या बताऊँ कि मुझे ये मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, मुझे लगता है मैं बहुत ही प्राइवेट पर्सन हूँ, तो मुझे वैसे ही अच्छा लगता है। किसी के दरवाजे के बाहर कैमरा लगा दिया, शूटिंग शुरू कर दी, उन्होंने बेचारों ने प्यार से आके पहले बोला हट जाइए, नहीं हटे तो बंदूक ले आए वो, और उन्होंने एक्चुअली उस दिन केके सर और मैं थे सेट पे, और उन्होंने एक लाइन बोली जो कि केके सर को इतनी पसंद आ गई कि उन्होंने फिल्म में यूज़ किया है, ये सर का इम्प्रोवाइजेशन था, उन्होंने आके बोला मैं अब तक ऐसे बात कर रहा था, अब मैं ऐसे बात करूँगा, तो वो लाइन जो है केके सर ने यूज़ किया। अगर वो लाइन दो लाइन हो जाए अपने स्टाइल में, अब तक हम ऐसे बात कर लेते ऐसे हो गया ना, रगड़ हो गई। तो मुझे एक लड़की मिली अभी दिल्ली में, और उसने बोला कि आप पर्दे पे आते हो तो लगता है मेरे चाचा है, तो उसको मैं एक्टर लगता ही नहीं, उसको लगता है मेरे चाचा गए हैं पर्दे पे। हाँ गए चाचा, बैठिए आप, हटिए। मजदूरी करनी पड़ती है पैसे कमाने के लिए, ये 2 साल में एक पिक्चर करती है और वो भी फ्री में। सोचो इनके पास कितना पैसा है। नहीं मानते हो तो इनसे पूछ लो नोटबंदी में क्या हुआ था। घर में दो चीजें बनती थी, एक चीज बननी शुरू हो गई थी। सच्ची में या बस ऐसे आप बोल रहे हो? सच्ची में कह रहे हो कि दाल सब्जी बनती थी, फिर एक सब्जी बननी शुरू।